गाइस जब हम कोई वेबसाइट या ब्लॉग बना लेते हैं उसके बाद हम चाहते हैं कि वो वेबसाइट गूगल सर्च इंजन रिजल्ट में आए, तो उसके लिए हमें गूगल वेब मास्टर टूल का उपयोग करना होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि गूगल वेब मास्टर टूल क्या होता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल वेब मास्टर टूल क्या होता है, गूगल वेब मास्टर टूल का यूज क्या है और गूगल वेब मास्टर टूल में वेबसाइट को कैसे सबमिट कर वेरीफाई करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं गूगल वेब मास्टर टूल क्या है। गूगल वेब मास्टर टूल गूगल द्वारा बनाई गई एक फ्री SEO टूल है जिसको आप अपने जीमेल अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट फाउंडर जो है, कोई भी वेबसाइट का जो एडमिन है या फिर ब्लॉगर इस टूल को फ्री में यूज कर सकता है। गाइस ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है और ये हेल्प करता है आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट में लाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट या ब्लॉग सर्च इंजन रिजल्ट में आए, तो उसके लिए आपको गूगल वेब मास्टर टूल का उपयोग करना ही होगा। गाइस गूगल वेब मास्टर टूल में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि हम अपने साइट को सबमिट करते हैं और वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही हम कोई काम कर पाते हैं। तो गूगल वेब मास्टर टूल के बारे में आप समझ गए होंगे कि गूगल वेब मास्टर टूल क्या होता है। अब बात करते हैं गूगल वेब मास्टर टूल का यूज क्या है। गाइस गूगल वेब मास्टर टूल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण SEO टूल है जिसका उपयोग हर एक वेबसाइट ऑथर, वेबसाइट का जो एडमिन है वो या फिर ब्लॉगर करता है। यहाँ पे अब सबसे पहला जो मेन महत्वपूर्ण यूज है गूगल वेब मास्टर टूल का वो ये है कि गूगल वेब मास्टर टूल जो है आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करने का फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट के पेजेज को या फिर ब्लॉग के पेज या पोस्ट को सर्च इंजन रिजल्ट में ला पाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा यूज है वो ये है कि इस टूल की मदद से आप ये भी देख पाते हैं कि आपके वेबसाइट का कितना पेज या फिर ब्लॉग का कितना पोस्ट जो है गूगल द्वारा क्रॉल हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है। इसके अलावा तीसरा यूज ये है कि आप देख पाते हैं कि आपके ब्लॉग पे या वेबसाइट पे कितना एरर पेजेज है, जैसे कि 404 या 500 कौन सा पेज नॉट फाउंड जा रहा है या इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, तो इस तरीके से आप एरर चेक कर पाते हैं और उसे रिजॉल्व कर पाते हैं। गाइस इसके अलावा जो है गूगल वेब मास्टर टूल में जो है सर्च क्वेरी भी देख सकते हैं, यानी कि कितने लोग किस कीवर्ड का को सर्च करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप इम्प्रेशन भी देख सकते हैं, यानी कि सर्च इंजन में कितने लोगों ने आपके वेबसाइट को देखा है, ये भी आप गूगल वेब मास्टर टूल में देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो गूगल वेब मास्टर टूल एक वेबसाइट ऑनर के लिए या फिर ब्लॉगर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, इसके बिना उसका काम नहीं हो सकता है। तो गाइस अब आपको बताते हैं कि गूगल वेब मास्टर टूल में वेबसाइट को सबमिट करके वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो गाइस इस स्टेप को मुझे प्रैक्टिकली आपको बताना होगा, तो प्रैक्टिकली बताने के लिए लेके चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी साइट को गूगल वेब मास्टर टूल में कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लॉग ओपन है, इसी ब्लॉग को मैं गूगल वेब मास्टर टूल में ऐड करूँगा और आप जान पाएंगे कि गूगल वेब मास्टर टूल में किसी ब्लॉग या साइट को कैसे ऐड किया जाता है। तो चलिए एक न्यू टैब ओपन करते हैं। न्यू टैब में हमें लिखना है गूगल वेब मास्टर टूल और लिख के सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आएगा रिजल्ट में वो गूगल वेब मास्टर ऑफिशियल जो साइट है उसका लिंक आता है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है देख सकते हैं गूगल वेब मास्टर की साइट ओपन हो गई। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलता है, इस साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे इस ब्राउजर में मैं जीमेल अकाउंट से ऑलरेडी लॉगिन था, तो ये यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का पेज ओपन हो गया। अगर आप अपने ब्राउजर में जीमेल अकाउंट से लॉगिन नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से गूगल सर्च कंसोल का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक आइकन दिखेगा, इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे आपको ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखेगा, इस ऐड प्रॉपर्टी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप ऐड प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप ओपन होगा, इसमें
आपको प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है कि आप डोमेन से ऐड करना चाहते हैं या यूआरएल प्रीफिक्स से ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स से ऐड करूँगा, ओनली यूआरएल अंडर द इंटर्ड एड्रेस, ओनली यूआरएल अंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, अलाउड मल्टीपल वेरीफिकेशन मेथड। तो हमें वेरीफाई भी करना होता है साइट ऐड करने के बाद। तो यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें वेरीफाई करना होगा कि ये साइट हमारा ही है। तो उसके लिए अलग अलग हमें देख सकते हैं यहाँ पे कि अलाउ मल्टीपल वेरीफिकेशन मेथड, तो हमें अलग अलग वेरीफिकेशन मेथड मिलता है। किसी भी एक मेथड को फॉलो करके हमें अपने साइट को वेरीफाई करना होता है ताकि गूगल को ये पता चल सके कि ये साइट हमारी खुद की साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाइंग प्रॉपर्टी HTTPS टॉप अप अचीव बेस्ट। अब देखिए ये क्या है, अब कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ये साइट आप ही की है। तो उसके लिए हमें क्या दे रहा है, डाउनलोड द फाइल, इस फाइल को डाउनलोड करना है और अपने साइट के रूट फोल्डर में अपलोड करना होगा हमें। तो एक तरीका ये है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं, मैं किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकता हूँ। जो रिकमेंडेड वेरीफिकेशन मेथड है उसमें HTML फाइल दे रहा है, लेकिन इसके अलावा जो है अदर वेरीफिकेशन मेथड भी अवेलेबल है, जैसे कि HTML टैग जो मुझे हेडर में ऐड करना है, यानी कि हमारे साइट का जो हेडर फाइल है उसके हेड टैग के पहले हमें ऐड करना होगा। उसके अलावा जो है गूगल टैग मैनेजर या फिर डोमेन नेम प्रोवाइडर, अलग अलग तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं HTML टैग वाले तरीके से वेरीफाई करके आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ से इस जो कॉपी वाले बटन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो कोड है वो कॉपी हो जाएगी, ये वाली कोड जो है वो कॉपी हो गई। अब यहाँ से डन करेंगे, डन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन में लॉग इन कर लेना है। वर्डप्रेस एडमिन में लॉग इन करना है, तो चलिए लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद हमें क्या करना है, अपियरेंस यहाँ पे थीम एडिटर ओपन कर लेना है। थीम एडिटर ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमें जाना है हेडर डॉट पी एच पी, इस फाइल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते ये हेड क्लोजिंग है, हेड क्लोजिंग से पहले यहीं पे हम इस कोड को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, अपडेट फाइल इस बटन पे क्लिक करना है ताकि ये जो हमने चेंजेस किया है वो सेव हो जाए। तो फाइल अपडेटेड एडिटेड सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे, देख सकते हैं ये आ गया नॉट वेरीफाइड, ये सब वेरीफाइड है, ये नॉट वेरीफाइड है। लेकिन हमने अब ऐड कर दिया अपने साइट के, कहाँ पे ऐड किया देख सकते हैं, हेडर फाइल में, वो भी हेड टैग क्लोज होने से पहले। हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको गूगल अवे मास्टर टूल का जो वेरिफिकेशन कोड है, जो यानी कि ये वाला कोड जिसे मैंने कॉपी किया था, उसे हेड टैग जहाँ भी क्लोज हो रहा है हेडर फाइल में उससे पहले रखना है, और उसके बाद अपने फाइल को सेव कर देना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, चेकिंग वेरीफिकेशन। अब ये वेरीफाई कर रहा है, चेक कर रहा है कि कोड ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड, यानी कि हमारा, और वेरिफिकेशन मेथड यहाँ पे क्या दिया है, HTML टैग, यानी कि हमारा जो ओनरशिप है यानी साइट जो है वो मेरी है, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप भी अपने वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर टूल में ऐड कर सकते हैं। गाइज इसके अलावा जो है, अगर आप SEO प्लगइन यूज कर रहे हैं जैसे कि योस्ट SEO, तो उसमें ऑलरेडी ऑप्शन आता है कि आप गूगल वेब मास्टर टूल का जो वेरिफिकेशन कोड है उसको आप ऐड कर सके। तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला जो कोड है ना, ये कंटेंट के अंदर जो कोड है, इस कोड को सिर्फ पेस्ट करना होता है। अगर आप, तो आपको हेडर फाइल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर आप योस्ट SEO प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आप जनरल में जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे वेब मास्टर टूल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से गूगल वेरिफिकेशन कोड। तो गूगल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देना है।
वैसे तो मैं ऐड कर दिया हूँ, लेकिन अगर आप गूगल वेब मास्टर अगर आप योस्ट सीओ यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे हेडर में जाके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे उस कोड को जिसको मैंने अभी कॉपी करके पेस्ट किया है उस इस तरीके से आप अपने कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं गूगल वेरीफिकेशन कोड में, और सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दे। इससे क्या होगा, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद वहाँ पर आप वेरीफाई कर दे जैसे मैंने किया है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं गूगल वेब मास्टर टूल में। जो है साइट ऐड करने का तरीका एक ही है, लेकिन वेरीफाई करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप किसी भी तरीके से को फॉलो करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइज इसी तरीके से आप अपने साइट को भी गूगल वेब मास्टर टूल में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह की जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।